हम यहाँ पे रुके हैं शूट करने के लिए, और मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं से भी कोई सांप निकल के आ सकता है, कोई कीड़ा मकोड़े, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये गाय आ रही है आप ही पे अटैक करने यहाँ पे। नहीं, तुम्हें किसने कहा था इतनी लंबी हील पहनो? मुझे क्यों डर रही हो पागल? या अल्लाह, किधर से निकली है? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें पता सांप काट गया? हाई गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हिरा फैसल। और आज की मैंने थोड़ी डिफरेंट लुक बनाई हुई है, हम लोग एक शूट करें बहुत ही मजे वाला। आप भी रेडी हो रही है और बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ दिखाते हैं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये हमारी सेकेंड मॉडल आई है फॉर द शूट। और यहाँ पर हमने रखी हुई अपनी सारी ज्वेलरी, ये हमारी ज्वेलरी कलेक्शन है। अभी कभी टाइम निकाल के आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन, हमारी यूनिक रखी है, मेरा ग्रास खाली करके सारी आप ही का खाली किया है। और इसके साथ अब हम ज्वेलरी मैच करने लगे। इसके साथ के इयररिंग्स कहाँ हैं? दिस इज माय फुल लुक। और आप भी इसी तरह की थीम वाली तैयार हो चुकी है, आप ही थीम वाली गोल लाइक आई साइड से आ जाओ। और ये हम ये प्यारी वाली शॉल्स का शूट करने लगे हैं। कितनी अच्छी लग रही है सूफी शॉल्स, इनको बोलते हैं ईद कलेक्शन है जी। ये देख ले, अब हम निकलने लगे हैं। बहुत ज्यादा धूप है लेकिन वी विल मैनेज। ओके, सो ये बड़ी ही खतरनाक कोई जगह है, ठीक है। हम यहाँ पे रुके हैं शूट करने के लिए और मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं से भी कोई सांप निकल के आ सकता है, कोई कीड़ा मकोड़े, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या करना है, शूट तो करना है, अच्छी लोकेशन भी यहीं पे मिलती है, सो बस अब हमें अल्लाह बचाए। है ना, आपको पता होता है कि नीचे क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि नीचे क्या है और कहीं से भी सांप मुझे निकल के काट लेगा। शूट हो रहा है और इस मैडम ने डिसाइड किया कि ये चार पे भी बैठ के क्या कर रही हो, तुम कौन सी सोचो मैं घूमो पहले मुझे ये बता। इतना मज़ा आ रहा है कि आपको प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, प्योर ऑक्सीजन है। और लेकिन तुम इतनी वो क्यों वी हो, मतलब आप नेचर के क्लोज जब होते हो तो फिर आप एक अपनी सोचों के लहरों में। ये वाली चारपाई को हम एज अ प्रॉप यूज करने वाले हैं, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, मैं उसके ऊपर नहीं अच्छी लग रही। नहीं, आप भी मैडम वहाँ पे बैठ के सेल्फीज ले रही है और मैंने अभी एक शॉल का शूट कर लिया है और मुझे बहुत प्यारी लग रही है ये शॉल। एक्स्ट्रा तारीफ करते हुए, मुझे सांप से डर लग रहा है, इधर बहुत ज्यादा सांप आते हैं। बेगाना शूट हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं इसके जो मतलब इतना इसने मॉडर्न आउटफिट पहन के ऊपर शॉल, देखो कैसे जैसे बकरा होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई है। चलो मेरी बारी है, तुम बेबे फारिग होगी हो। यहाँ पे देखो हमने बच्चों को कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ पे सारे बच्चे हेलो लेके मैंने दे दे हाँ दे दी नहीं पाई। बात सुनो बच्चे, एक मुझे दे दो, पीनी है मैंने, प्यास लगी है। ओ भाभी कैसी बच्ची, फरार होगी, फरार होगी। चलो आप ही को वापस दे के आओ। नहीं दे रही तुम कहो तुम उसको दो। दे दे बड़ी भूखी है देख रही है। चल पी ले तू, चल तू ले, तेरा बचपन नहीं लग रहा वो उसने छुपा ली है, चल तू ले ले। तेरा बचपन लग रहा बिल्कुल देख के मुझे। मैं प्यारी थी इसका क्यूट है ना। तुम घर चलो जरा, तभी मैं मुंडी तोड़ती हूँ, निकलो इधर से। चलो तुम अपना शूट करवाओ जाके। गाइस अब मेरी बारी है, मैंने बहुत ऑक्सीजन ले लिया। देना ये मेनू? नहीं नहीं रख ले तू, हुन तू रख ले, हुन मैं तेरे नाल कट्टी हां। फहिरा मेरा गुस्सा छोड़ो, कट्टी की बच्ची। आज मैं आली शॉल लिए थे, मेनू आज पंजाबी आंदी पई है बस। और ये गाय आ रही है आप ही पे अटैक करने यहां पे। आप ही तुम्हारे पीछे आ रही है। She is coming after you. भागी नहीं तुम? मैं क्यों भागू, मैं डरती थोड़ी। तुम्हारे पीछे आ रही थी ना। ओए यार ये इसको क्या कहते हैं, मूड़ा कहते हैं ना। मैंने भी इस पे बैठ के पिक्चर्स लेनी थी, मैंने भी मूड़े पे बैठना है। इसको मूड़ा ही कहते हैं ना, मूड़ा नहीं इसको सीट कहते हैं, पीढ़ी कहते हैं। हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस पंजाबी एट ऑल। मेन मॉडल को जमीन पे बिठाया हुआ है और खुद खरबूजे खा रही है। तुम्हारी शक्ल देखो मेन वाली, मुझे तुम हिम्मत कैसे अनमेन करने की। मैं मेन पे हूँ, मैं इसीलिए जमीन पे बैठी हूँ। मेन कहने वाली मुझे है। ओए मेरे तीन डॉट्स उतर गए हैं, मुझे लग रहा है मुझे आने ऐसा लग रहा है फूट खा रहे। मम्मा ने डब्बे में कितने गंदे डिब्बे में डाल के भेजे हैं, पता है हम दूर है हम कुछ कह नहीं सकते, तो गंदे प्लास्टिक वाले डिब्बे में डाल के भेजे और केले शॉपर में डाल के भेजे और वो आते आते पानी छोड़ गए हैं केले। वो वहाँ पड़े हैं, पानी नहीं छोड़े हैं, झूठ ना बोलो। वो शॉप में मेरी माँ बहुत मेरी मम्मा बहुत चूर है।
खरबूजे काट के भेजे अच्छे वाले बॉक्स में, ठीक है। लेकिन केले आपने शॉपर में क्यों भेजे है? वो सारे वो सारे पिच 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 कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा आई लव यू। शोली मतलब मतलबी औरत तुम होगी, खाने लगी भी। और एक दफा नहीं पूछा हिरा खाना कुछ खाओगी? नहीं मुझे पता ही ना, मेरे कहे बगैर भी खा लेने। उसको मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं, नहीं मैं जब काम कर रही होती मुझे भूख नहीं लगती, पता नहीं क्यों। हाँ जब तक कि भूख लगी ना हो। क्या कह रही हो? अभी बाकी तुम खा लो, मैं सारे खा लूँ। नहीं मैं खा लूँ, और ये जो बॉक्स है रखना पड़े मुझे, बड़ी चला। अभी लिपस्टिक उतार दी इस बॉक्स ने। हाँ डिब्बे से लिपस्टिक, अब अपना दुपट्टा दे दो कि प्लीज हाथ साफ करने। अपने मुँह से साफ कर लो, खबरदार मेरे पास आई तुम तो। भूल नहीं लूंगी। इस औरत के हाथ गंदे हैं तो अब उनके मुड़े से साफ करने लगी है। और ये मैं ब्लॉग में देख रही हूँ, अगर वो लोग भी देखें तो आपके मुड़े से साफ करिए। देखो आप ही हाथ पीछे रखो अपने, वो वेट कर रहे हैं कि वीडियो बनाया। हम इधर अपने शगुफे लड़ा रहे हैं। माय गॉड यहाँ देखे मम्मा के लिए नाश्ता लाई है, स्लाइस अंडा। आ जाओ आ जाओ। आज के व्लॉग में इसने अम्मा का चूरन बोला। अम्मा जो है ना इतनी हमारी केयर करती हैं कि मम्मा खाने का सामान मतलब नाश्ता मेरे लिए लेके आई हैं, मैडम के लिए उधर जा रहा है, मैं भी जा रही शॉपी पे बैठने। हाँ जी पता है मुझे, मेरे लिए ही लाएंगे। इकरा से प्यार नहीं करती, हीरा से करती हूँ। रियल में हीरा से नहीं करती, इकरा से करती हूँ। और रियल में मैं इकरा से करती, हीरा से नहीं। ऑन कैमरा बोल रही हैं सही, ठीक है। तुम दिखाओ अपनी शॉल कितनी अच्छी लग रही है ना। बहुत प्यारी लग रही। मेरा भी इसी तरह का कलर था, लेकिन थोड़े से उसमें डार्क कलर थे। इस तरह का कलर नहीं था तुम्हारा, शॉकिंग पिंक था मेरा। इससे मिलता जुलता था। ज्वेलरी देख लो कोई, अगर मेरा ये वाला कड़ा चाहिए तो यू कैन। ये नहीं खाना तो ले लो। मम्मा दे दे। नहीं नहीं खाऊंगी, इतने प्यार से बना के लाई है मेरी अम्मा खाना, मैं ना खाऊं। खाऊंगी लेकिन घर जाके। क्या पड़ेगा? थप्पड़। थप्पड़ पड़ेगा कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, ठीक है। देखते हैं मम्मा मेरे लिए स्पेशल खाना बना के लाई है। इसके पीछे स्टॉपर ही नहीं है, तुम क्या इयररिंग्स उतार लो। उतरवाने का अच्छा बहाना। छीन लो सारी चीजें, छीन लो मुझसे। खुद का क्या है कि बाद में ये मीडिया का वो रुख है। वहाँ पे मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है वहाँ पे कुछ मुझे है। यहाँ कोई आवाज आ रही है। हाँ यहाँ से खेतों से आती है आवाज। हाँ इधर से। और वो मुझे कह, फोटोग्राफर कह रहे अंदर जाके, अंदर। मैंने कहा अंदर जाके मैं वापस नहीं आती। हाँ मैं नहीं वापस आती। मैंने खाना खा लिया, अब हम लोग घर जा रहे हैं चेंज करने, ड्रेस चेंज करेंगे। रेड कलर की मेरी एक लुक है कुछ इस तरह की, वो भी आपको दिखाते हैं। ओके सो हमने कर ली अपनी नई लुक चेंज, सेम इस फ्लावर की तरह से। और पीछे मैंने लगाए हैं गजरा, अपने बालों में गजरा लगाया है। कहते हैं ना अखियों में काला, नहीं पता नहीं क्या, बट बालों में गजरा लगा लिया है। थोड़ी डिफरेंट लुक बनाई है अपनी, विच इज़ वेरी गुड। और अब हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने लगे हैं थोड़ी ईद वाली, क्योंकि ये ईद कलेक्शन है उनकी। ओवर एक्सेसराइज्ड बन चुकी हूँ इस टाइम, और मैंने हाथ में कौन मेहंदियाँ भी पकड़ ली क्योंकि थोड़ा मेहंदी वाला सीन है, तो हम थोड़ी मेहंदी वाली वाइब्स देंगे। और अब हम जा रहे हैं शूट की लोकेशन पे। मैंने अपने गले में कैमरा पहना हुआ है, कैमरा, जैसे मैं इस हील को पहन के गिर ना जाऊँ कहीं। अब हम लोग लेने लगे थे ईद वाला शॉट, और कोई अंत किस्म का तूफ़ान आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी लग रहा है कि बारिश आ जाएगी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। शूट छोड़ के इन्जॉय करने का दिल कर रहा है, और वहाँ पर आप भी खड़ी हुई, और मुझे लग रहा है कि उड़ उड़ ना जाए। सियाँ होती तो मुझे कहती है तुमने उड़ना है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डर है, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ना ये बहुत खतरनाक एरिया है, यहाँ पे ना सांप होते हैं। और ये मैडम टड़ा, ये तुम्हारी मंकी जैसी ग्लासेस लग रही हैं। यस और मेरा ये चल चाहिए चाहिए चाहिए, गिरना जाना गिरना जाना। और तुम्हारा ड्रेस कितना कूल लग रहा है यार, तुम्हारे पे ट्रक है मेरे पे स्कूटर्स बने हुए, हमारी लाइट जा रही है। जी ऐसे करके पोज करेंगे, फिर ऐसे करके पोज करेंगे, फिर दो करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर हम मंकी वाले पोज करेंगे। ओह शिट मेरे सारी ईदी उड़ गई, 10-10 रुपए की ताज़ा कड़कते कड़कते नोट, मेरी ईदी गिर गई थी। मुझे ऐसे ईदी कोई भी नहीं देता है, बहनों में सिर्फ पापा देते हैं, और मामा जो होती हैं सारी ईदी छीन लेती हैं। आज मैं आपको सारी अपनी अम्मा की चलाकियाँ बताऊँगी। मेरी अम्मा सारी ईदी छीन लेती हैं हमसे, बड़े होने के बाद भी छोटे होते भी सारी ईदी ले लेती थी। और कोई गेस्ट भी घर आके पैसे देता था ना तो वो भी छीन लेती थी। नहीं तुम्हें किसने कहा था इतनी लंबी हील पहनो? पर तुम्हें पता सबसे अच्छा ये ड्रेस लग रहा है। अब मेरा यही कह रही है जो आप ड्रेस पहन के आ रही है। हाँ गिर गई थी अभी ये बदतमीज, लेकिन मैं हेडलाइन ये नहीं रखूँ।
घास में, तुम खुद सोचो सुराख हो गए घास के अंदर। तो मैंने तुमसे ज्यादा लंबी हील्स पहनी हुई। कहती अंधेरी आ गई, कहता छुट्टी नेरी नेरी क्या होता है, नेरी पा ले छुट्टी आप ही। वो पीछे खड़ा बूढ़ा हो जाएगा। उसने कहा तो टोकरी पकड़नी है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है ब्रांड की तरफ से। वैसे इस ब्रांड का नाम है रेन क्लोज़ेट बिकॉज़ ओए शूट कर रहे हैं, बारिश हो रही है। हां वही तो कह रही हूं। आपकी चप्पल लेके आओ वरना आप ही इधर आज घास के अंदर ही चिपकी पड़ी हुई है। ये वाला गोबर था इसके अंदर आप ही, और वो हाफ फ्रेश है, ये हाफ फ्रेश था जिसमें गिरने लगी थी। हम लोग आगे जा रहे हैं शूट करने के लिए। ये बड़ी डरावनी जगह, तुम जिधर जा रही हो पागल। ये बड़ी डरावनी जगह है, अब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने ना एक्सप्लोर के चक्रों में तुम एक्सपायर ना हो जाना। इधर कहीं अंदर जाके देखो झाड़ियां ही झाड़ियां, हुई आवाजें आ रही है यहाँ से आ रही है इधर से, ऐसी आवाजें आ रही। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुंचे हैं और हमारा वीडियोग्राफर भी। मुझे क्यों डरा रही हो पागल बेवकूफ लड़की। काटा है कुछ है? मुड़ गया यार कुछ था। वाह भाई की नहीं रहा कोई, मेरा पांव भी मुड़ गया उधर, उसने उसने मुझे कुछ काटा है यार। किस क्या काटा है? तो चल क्यों रही हो फिर, काटा है तो। और दफा हो तुम उधर झाड़ियों में। सच में वहां सांप था, मैंने खुद देखा है। मैंने वैसे देखा था यहाँ, पता है गांव वाले कहते हैं कि इधर सांप है। तुम्हारा जब वीडियो बन गया है तो तुम्हें क्या जरूरत है आबेल मुझे मार करने की? पहले तुम मुझे ये बताओ। बहुत खतरनाक एरिया, दफा हो जल्दी उठो यहाँ से, चलो जल्दी उठो, सामान उठाओ अपना, चलो 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 अब हम लोग जा रहे हैं। ओह जल्दी करो ना, चलो अब ध्यान से। पता नहीं बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, और सीरियसली मुझे ना कुछ काटा है, पता नहीं वो सांप तो नहीं था लेकिन सांप जैसा ही था। मैंने सांप अपनी आंखों से देखा है इधर वो उन झाड़ियों के अंदर, और मुझे शदीद डर लग रहा है अगर उसने मुझे काट लिया हुआ तो मैं तो जिंदा ही नहीं बचूंगी। तो तुम्हें पता सांप काट गया पाँव पे, बचा सांप को। सांप मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स इधर आ गए हैं। पता नहीं यार आपने काटा होता ना तब तक तुम जिंदा ना होती। पता नहीं कोई कुछ काटी है कोई चीज, मुझे नहीं पता कोई कीड़ा था, पता नहीं सांप था लेकिन बहुत बड़ा था। मैंने खुद अपनी अजदहा था ना बहुत बड़ा था यार। जो यूनिवर्सिटी के सांपों के साथ डील कर सकता उसके लिए तो ये सांप भी छटे हैं यार। वो उस उधर उधर से भी चद्दर पकड़ के उधर पागल लो तुम, सांप है उधर। मैंने खुद देखा है सांप, अपना जाना अंदर। एटीट्यूड और लीव ले फातिमा लीवते हुए। मैंने फातिमा को मना किया कि यहाँ पे ना जाओ, फिर बैठ गई है वहाँ पे देखना जरा। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ पे गई हो, सांप है उधर। क्या हुआ तुम्हें भी दिख रहा? देखो है ना यहाँ पे कुछ, ये थी टैनी चुभी थी। टैनी की बात नहीं है यहाँ पे, सच में डर गई यार। सच में यहाँ पे कुछ है। अब मैं उधर नहीं जा रही और ना मैं अभी घर जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जोर से गिरी और मेरा पाँव भी मुड़ा है। मुझे सर्दी लग रही है, अब इतनी तेज आवाज चल रही है, आवाज आ रही है पीछे से। फातिमा चीखों की तुम मरोगी तुम पागल। किसकी? सांप की? ये चीखों की? सांप चीखे मारते फिर भी सांप मारता। सो गाइज हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, मतलब अब मेकअप वेकअप उतार लिया है, अब बहुत थक चुकी हूँ मैं, अब सोने लगी हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करने हैं। लव यू, बाय बाय, आई विल बी राइट बैक विद दैट अनदर वीडियो।